नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा हो गई। अलग अलग टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल के नतीजों को जनता के सामने रख दिया। देश के हर उस शख्स ने इन पोल्स को देखा जिससे राजनीति में जरा भी रुचि है। चुनाव पूर्व आपने कई चैनल्स पर ओपिनियन पोल भी खूब देखे होंगे। सर्वे एजेंसियों की माने तो ये पोल्स वोटर्स की राय का वो अनुमान होता है जो आगामी चुनाव की तस्वीर को साफ कर देता है, साथ ही बता देता है कि कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठने जा रहा है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ज्यादातर सही साबित नहीं होते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या होते हैं एग्जिट और ओपिनियन पोल और इनमें क्या बेसिक अंतर होता है। पहले बात करते हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर छाए हुए एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल की परिपाटी बहुत पुरानी है। एक लंबे सर्वे के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आते हैं। सर्वे के माध्यम से एग्जिट पोल की घोषणा की जाती है और अनुमान लगाया जाता है कि चुनाव परिणाम में कौन सा दल ज्यादा वोट बटोर सकता है। देश में वोटिंग के अंतिम चरण के खत्म होने से पहले एग्जिट पोल के नतीजे दिखाना गैर कानूनी बना दिया गया है। चाहे कोई भी हो, अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा की जाती है। एग्जिट पोल के सर्वे में मतदान वाले दिन मतदाताओं से उनके मत के बारे में पूछा जाता है। इसी आधार पर जो नतीजे आते हैं उसे ही एग्जिट पोल कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहली बार 1967 में नीदरलैंड से एग्जिट पोल की शुरुआत हुई है। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल की बात करें तो कई तरह के पोल सर्वे इसमें भी समाहित हैं। एग्जिट पोल हो या पोस्ट पोल, सभी ओपिनियन पोल का ही हिस्सा होते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्री पोल या सर्वे ही ओपिनियन पोल होते हैं। आमतौर पर ओपिनियन पोल की तैयारी चुनाव की घोषणा के बाद से ही शुरू हो जाती है। चुनाव शुरू होने से पहले अलग अलग संस्थानों द्वारा बड़े स्तर पर सर्वे करवाया जाता है। इस सर्वे में लोगों की राय जानने की कोशिश की जाती है कि उनके मन में चल क्या रहा है। मीडिया संस्थान चुनाव से पहले किए गए विकास कार्यों, वादों, योजनाओं, विपक्ष के मुद्दों और जनता की समस्याओं के आधार पर जनता के बीच जाकर बातचीत करते हैं और फिर एक अपना गणित निकालते हैं। जनता की राय को जानने के बाद और उनके पसंदीदा नेता और पार्टी के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में एक बार इन पोल्स पर बैन भी लग चुका है। साल 1998 में चुनाव आयोग ने ओपिनियन और एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। काफी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के ओपिनियन और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को निरस्त किया था। इसके बाद साल 2009 में भी लोकसभा चुनाव के पहले एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग ने जोर पकड़ा था। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध की मांग उठने के बाद कानून में संशोधन किया गया। संशोधित कानून के अनुसार चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति होने के बाद ही एग्जिट पोल को दर्शाने की बात कही गई थी। तब से अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा की जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।